इस नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज अबाउट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनिटी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. वो इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. डेल्टा जी है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है. अब इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करने हैं. जैसे एक क्वेश्चन वहां पर दे रखा है कि फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव. अब डेल्टा एच भी नेगेटिव दे रखा है और डेल्टा एस भी नेगेटिव आपको दे रखा है, तो किस कंडीशन के अंदर वो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है. अब मेरे पास डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया टी और डेल्टा एस भी वहां पर नेगेटिव हो गया. अब नेगेटिव नेगेटिव वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा. अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो वहां पर अगर इस पॉजिटिव की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो मेरे को आंसर किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा. और अगर पूरे टर्म की जो टी डेल्टा एस है ये पूरे टर्म की जो वैल्यू अगर वहां पर अगर लो होगी तो आंसर मेरे को किसमें मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस. और मेरे को स्पॉन्टेनियस ही बताना है कि किस कंडीशन में वहां पर वो रिएक्शन है वो वहां पर स्पॉन्टेनियस हो सकती है. तो अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो इस पूरे डी टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. क्योंकि जब टी वहां पर लो होगा, जब टी लो होगा तो वहां पर जो नेगेटिव नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और ये टर्म है क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं होगी, तो इस वजह से नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो आंसर है वो मेरे को किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा. तो आंसर आपको क्या बताना है यहाँ पर कि टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा. जब वो डिक्रीज होगा तो आंसर मेरे को नेगेटिव मिलेगा. नेगेटिव का मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा एच और डेल्टा एस है वो पॉजिटिव है. अब यहां पर नेक्स्ट वाली कंडीशन के अंदर ये मैं वापस इक्वेशन लिख देती हूं. अब इसके अंदर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. अब यहां पर नेगेटिव का साइन है. अब आपको देखना है आंसर हमको किसमें चाहिए, नेगेटिव में चाहिए. अब ये टर्म वहां पर पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर प्लस माइनस. अब यहां पर टी मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरे को आंसर है वो नेगेटिव मिले. अगर यहां पर टी कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी टर्म की ज्यादा हो जाएगी और उस कंडीशन के अंदर आंसर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा. पर अगर यहाँ पर अगर टी मैं बढ़ा देती हूँ, टेम्परेचर अगर मैं हाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इसकी वजह से आंसर है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आपको हाई टेम्परेचर जब आप रखोगे तभी वहां पर टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा. क्योंकि ये टर्म के आगे माइनस लगा हुआ है और ये पॉजिटिव है तो मेरे को तो आंसर माइनस में चाहिए. तो यहाँ पर इस टर्म को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो यहाँ पर टी है वो मेरे को हाई रखना पड़ेगा तब जाकर आंसर मेरे को वापस किसमें मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा. और वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि एन टू गैस फॉर्म में है, ओ टू गैस फॉर्म में है और नाइट्रिक ऑक्साइड वो बना रहा है वो गैस फॉर्म में. अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि डेल्टा एच वहां पर पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस आ रहा है. तो यहां पर अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ रही है इसका सीधा सा मतलब है कि आप अगर देखो इस इक्वेशन को, ये जी है, ये जी है और यहां पर ये भी आपको क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है. और यहां पर इसके जो गैसेस के मोल है वो नंबर ऑफ जो मोल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो यहां पर क्या हो रहा है कि एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है. इसकी वजह से वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. एंट्रोपी पॉजिटिव मतलब ये वाला सेम ये वाला केस हो जाएगा कि जिसके अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एस पॉजिटिव है उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर अगर वहां पर हाई होगा तो रिएक्शन वहां पर क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. तो इस तरीके से इस इक्वेशन को यूज करके आप कोई भी रिएक्शन है वो बता सकते हो कि वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी. उसके अंदर सिर्फ आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पे ध्यान देना है. टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कम कब बढ़ाना है कब घटाना है वो आपको ध्यान में रखना है. ओवरऑल आपको आंसर डेल्टा जी का नेगेटिव जब मिलेगा तभी वहां पर वो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस